फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। हम लोग अभी निकलने वाले हैं दिल्ली के लिए, तो फ्रेंड्स ब्लॉग में बने रहिएगा। और अभी निकल ही रहे हैं, शाम हो गई है, तो चलते हैं फ्रेंड्स। चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये दीदी के घर में ही छोटे से यानी गुलाब के पौधे में ही देखिए ये चिड़िया ने घोंसला बना रखा, और इसमें छोटे छोटे दो चूजे भी हो गए हैं। दो दिन पहले मैंने देखा था तो वो यहाँ पे वो थे यानी कि अंडे थे दो, और आज देख रही हूँ तो फ्रेंड्स ये देखिए चूजे निकल आए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये देख के, बहुत ही अच्छी खुशी हो रही थी, जो कि अंडे फूट गए हैं और छोटे छोटे चिड़िया हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से। तो उसके क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मुझे पता नहीं है। तो ये देखिए छोटे छोटे से फूल फ्लावर भी है, और इसके बीच में ही देखिए बना रखा है एकदम घोंसला, जो किसी को पता ही ना चले। तो घर में एक छोटा सा दीदी के घर में बेबी है, दीदी के जेठ के जेठ का जो नाती है, तो उसको दिखाते नहीं है क्योंकि वो तोड़ देगा या कुछ कर देगा, तो उसको बहुत बचा के रखा था और मैंने दिखाया नहीं था। रोज़ देखती थी लेकिन उसको नहीं पता, नहीं तो तोड़ के उतार लेगा। ये देखिए ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं, मैं इनको हिला रही तो देखिए ये यानी कि मुंह खोलेंगे शायद अभी देखने, और बहुत ही प्यारे से थे, मुझे बहुत ही क्यूट लग रहे थे। शायद ये एक ही दिन का होगा मुश्किल से। ये देखिए घोंसला हिला रही हूँ तो ये देखिए मुँह खोल रहे, सोच रहे मम्मी आ गई है, क्योंकि इनके आईज़ भी अभी तक नहीं खुले हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं। हाँ देखिए, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या बोलते हैं इस वाले चिड़िया को। ये छोटे छोटे बहुत छोटे से थे। और ये देखिए हम लोग घर से निकल गए हैं दिल्ली के लिए। तो ये फ्रेंड्स पहले का ही वीडियो है, तो मैंने डाला नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ पहले शेयर कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये गाँव में इस तरीके से तेल मिलता है, देखिए यानी कि पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल पंप बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसीलिए कि गांव में तो पेट्रोल पंप है ही नहीं, और शहर में जाके ही पेट्रोल पंप वगैरह मिलेगा, तो गांव में इस तरीके से ही लोग पेट्रोल डलवाते हैं। देखिए बहुत ही मुसीबत है गांव में, लेकिन मज़ा आता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता है फ्रेंड्स। और देखिए मैं जब शाम आई थी तो सुबह 5 बजे यहाँ पर आई थी, यानी कि आने लगी थी घर पर, और आज जा रही हूँ तो सुबह ही टाइम है बिल्कुल। और पहले जिस टाइम आई थी उस टाइम सूरज उग रहा था, और आज मैं जा रही हूँ तो सूरज डूब रहा है फ्रेंड्स, देखिए एकदम। तो पूरा यहाँ का जितने दिन मैं रही बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा है, बहुत इंजॉय किया, क्योंकि दीदी के घर में आई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मज़े किए। और अब जा रहा दीदी का बेटा मुझे छोड़ने के लिए घर, क्योंकि घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो इसीलिए मैं जल्दी ही जा रही हूँ। और फ्रेंड्स देखिए जो यहाँ पे जानवर वगैरह बहुत पालते हैं, क्योंकि इन्हीं से ही इनकी रोज़ी रोटी वगैरह चलती हैं, दूध वगैरह घी वगैरह इसी से ही निकालते हैं। गांव में आप लोगों को पता ही है फ्रेंड्स, इसी तरीके से लोग गुजर बसर करते हैं। और ये देखिए गन्ना पूरे खेत में लगे हुए, अभी गन्ना क्या ये सीजन था पूरा यानी कि लगाने का, तो ये लग रहे हैं। और देखिए मैं फ्रेंड्स घर आ गई थी, और ये मेरे हस्बैंड की दवाइयाँ हैं, तो समझ ही चुके मैं किस लिए घर आ गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो अचानक से तो मैं घर आ गई थी फ्रेंड्स। तब भी थोड़ी लेट हो गई थी क्योंकि वहाँ पे कोई था नहीं, दीदी का बेटा आया तब जाके मैं घर आ पाई थी। तो फिलहाल अभी मेरे हस्बैंड काफ़ी पहले से ठीक हैं। ये पहले का वीडियो है फ्रेंड्स, 2-3 महीने पहले का ही है, क्योंकि अब मैंने डाला नहीं था क्योंकि मन थोड़ा सा ख़राब था, तो ये वीडियोज़ मैंने नहीं डाला था। अब मेरे हस्बैंड काफ़ी हद तक ठीक है, जो प्रॉब्लम्स थी काफ़ी कम हो गई है, ठीक हो गए हैं, तो इसीलिए। और भगवान जी का बहुत ज़्यादा उन पर आशीर्वाद है, जिससे कि वो जल्दी से जल्द ठीक हो गए हैं, और माता रानी उन पर हमेशा हाथ बनाए रखे, हाथ रखे, जो उनको कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह ना आए। तो ये देखिए मैं मंदिर आ गई थी, तो मंदिर का भी आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ फ्रेंड्स। तो ये घर यानी कि घर से पास में ही है ये वाला मंदिर, तो बहुत ही अच्छा मंदिर है फ्रेंड्स। देखिए ये राधा कृष्ण जी का है, उनके पूरे सारे भगवान जी के हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ पे आती रहती हूँ मैं। और ये माता माता रानी दुर्गा माता का है,
ठीक है। और ये मंदिर को संतोषी माता मंदिर के नाम से ही जाना जाता है फ्रेंड्स, यहीं पास में ही है तो सभी लोग संतोषी माता के नाम से ही इस मंदिर को जानते हैं। और ये सब भगवान जी का अभी अभी सब यानी कि बाद में सब चीज़ को लगाया गया, पहले एक संतोषी जी का ही पहले पूजा होता था यहाँ पे, तो धीरे धीरे डेवलप हुआ तो धीरे धीरे लोगों ने बहुत अच्छे से सब चीज़ कवर कर लिया, अच्छे से बन गया है देखिए। और ये शिव जी का है तो शिव जी को देखिए पूजा वगैरह हो रही है। आजकल तो सावन चल रहा है तो बहुत ज़्यादा शिव जी के यहाँ तो बहुत भीड़ वगैरह रह रही है, क्योंकि सावन में हर कोई शिव जी को अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बहुत चीज़ चढ़ाते हैं, तो वही सब चीज़ें ही देख रही थी। देखिए सब लोग अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। और फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।